तो फ्रेंड्स ये है क्विड का बेस मॉडल, इसका डिटेल रिव्यू मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्विड बेस मॉडल लेना चाह रहे होंगे तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले की बात करते हैं, तो आपको नॉर्मल की जो है वो आपको मिलती है, यहाँ पर से लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। बाकी एक की में आपको कुछ भी नहीं मिलता है। और इस प्रकार की अगर आप साइड की लुक देखें तो इस प्रकार की आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 28 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो आपको मिलती है। बाकी यहाँ पे आप देखें तो टायर साइज मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बाकी यहाँ पे हब कैप जो है वो आपको मिल जाती है, 165/70R14 की टायर जो है वो आपको मिलती है। बाकी डोर ओपनर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको ब्लैक में मिलती है, यहाँ पर भी ORBM आपको ब्लैक में मिल जाती है। बाकी फ्रंट की लुक मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो इस प्रकार की लुक जो है वो आपको फ्रंट में मिलने वाली है। DRL जो है वो भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ORBM जो है वो आपको ब्लैक में मिलती है। यहाँ पर सिक्की आप इंसर्ट करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं DRL जो है वो आपको मिल जाती है। और फ्रंट की लुक जो है वो आपको काफ़ी बेहतरीन लगती है इस बेस मॉडल की। बाकी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी साइड की लुक जो है वो आपको किस तरह से देखने को मिलती है। यहाँ से देखते हैं तो इस प्रकार की लुक जो है वो आपको देखने को मिलेगी। बाकी टेल लैंप जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेल लैंप जो है वो भी आपको काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो कोई भी एंटीना आपको देखने को नहीं मिलती है ऊपर। बाकी रियर जो है वो आपको नॉर्मल से देखने को मिलेगी। और बूट स्पेस जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लगभग 280 लीटर की बूट स्पेस जो है वो आपको मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार की बूट जो है वो आपको देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पे ये कवर किया हुआ होता तो और भी बेहतरीन लगता। बाकी यहाँ पे आप देखें तो स्पेयर व्हील जो है वो आपको प्रोवाइड की जा रही है। बाकी यहाँ पे रेनो का लोगो क्विड की बैजिंग यहाँ पे की गई है। रिफ्लेक्टर भी आपको यहाँ पे रियर में मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार से लुक जो है वो आप रियर की देख सकते हैं, साइड की देख सकते हैं, और फ्रंट की लुक जो है वो मैंने आपको दिखा दी है। यहाँ पर से एक बार मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, इस प्रकार की लुक जो है वो आपको पूरी क्विड की जो है वो देखने को मिलती है। ये SUV लुक में है, इसीलिए इसकी सेल भी काफ़ी अच्छी शुरू से ही रही है। तो चलिए इसका इंटीरियर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप इस मॉडल को लेना चाहते हैं तो इंटीरियर में आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलेगी। डोर आप देखें तो नॉर्मल सी डोर जो है वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। हालांकि बात करें तो यहाँ पे आपको डोर में बोतल होल्डर और मैगजीन होल्डर दे दी गई है। यहाँ डोर ओपनर आपको ब्लैक मिलता है। और यहाँ पे आप देखें तो मैनुअल रूप से विंडो को आप अप या डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर से आप नॉर्मल रूप से ORBM को जो है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए नॉर्मल रूप से आसानी से आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी स्टेयरिंग जो है वो आपको सिंपल मिलती है, यहाँ पे सिर्फ हॉर्न मिलता है और कुछ भी स्टेयरिंग में नहीं मिलती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो देखिए इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपको देखने को मिलेगी इस मॉडल में। यहाँ पे आपको 800cc की इंजन जो है वो आपको मिलती है। और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी म्यूजिक सिस्टम आपको नहीं मिलता है। मज़े की बात यह है कि आपको यहाँ पर AC मिल जा रही है, वो भी मैनुअल AC, और AC जो है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे क्विड की बैजिंग जो है वो की गई है। बाकी आप यहाँ पे ग्लोव बॉक्स देख सकते हैं, बड़ी सी ग्लोव बॉक्स आपको देखने को मिलेगी। इंटीरियर काफ़ी सिंपल आपको देखने को मिलता है, आप यहाँ पे डोर में देखें या फिर इधर पूरी ब्लैक इंटीरियर जो है वो आपको देखने को मिलेगी। बाकी आप यहाँ पे देखें तो किसी भी तरह की कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलती है। यहाँ पे एयरबैग की बैजिंग की गई है, 2 एयरबैग जो है वो आपको इस बेस मॉडल में भी देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देखें तो केबिन लैंप एक मिल जाता है फ्रंट में, और IRVM जो है वो आपको एकदम से नॉर्मल दी जाती है। ड्राइवर साइड भी आपको वैनिटी मिरर वगैरह आपको नहीं दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की कुछ डैशबोर्ड का नज़ारा जो है वो आपको इस क्विड में देखने को मिलेगा। दूसरी बात अगर आप यहाँ पे देखें तो 12 वोल्ट की चार्जिंग पोर्ट जो है वो दे दी गई है। बाकी यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर भी एक छोटा स्पेस मिलता है। गियर नॉब देखें तो इस प्रकार की ब्लैक गियर नॉब जो है वो आपको देखने को मिलेगी, और इधर भी एक छोटा सा स्पेस मिल जाता है। ब्रेक वगैरह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। काफ़ी सिंपल चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को इस कार में मिलेंगे।
बाकी इस कार से जुड़ी कोई भी शिकवा शिकायत है या फिर कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो यहाँ पर मैं आपको नंबर मेंशन कर दूंगा और यहाँ पर से आप इसकी ऑन रोड प्राइस की जानकारी भी ले सकते हैं। चलिए रियर में देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको इस कार से रिलेटेड मिलती है और ये कार आपको कैसी लगती है, आप ये कमेंट में ज़रूर लिखें। ये बेस मॉडल जो है वो आपको कैसी लगती है इसकी। बाकी रियर के डोर ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी बोतल होल्डर वगैरह भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे और यहाँ पर भी आप मैनुअल रूप से विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे डोर ओपनर ब्लैक आपको मिलती है और सारी चीज़ें जो है वो आपको बिल्कुल से सिंपल और साधारण से मिलती है। बाकी यहाँ पर आप दो एडल्ट वन चाइल्ड जो है आसानी से बैठ सकते हैं। ये सीट जो है वो 100% फोल्ड हो जाती है जिससे आप अपना बूट स्पेस जो है वो बढ़ा सकते हैं। बाकी यहाँ से आप फ्रंट की लुक देखें तो कुछ इस प्रकार से लुक जो है वो आपको देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पे आप म्यूजिक सिस्टम वगैरह बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो इस रेनो क्विड बेस मॉडल की। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।